गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लासेस या लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि हमने लैंग्वेजेस जितनी थी कंप्यूटर्स की, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि कंप्यूटर की लैंग्वेजेस क्या होती हैं, उनके वर्क क्या होते हैं, कैसे वो सिस्टम में सॉफ्टवेयर को या प्रोग्राम को बनाने में मदद करती हैं, कितने टाइप्स की लैंग्वेजेस होती हैं और क्या उनका फंक्शन होता है, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हमने भी जहाँ पर स्टडी किए थे। तो आज हम बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कंप्यूटर या सिस्टम अगर कोई किसी चीज़ पर वर्क करता है तो किस पर वर्क करता है? बाइनरी सिस्टम पर। जो मशीन लैंग्वेज होती है वो केवल बाइनरी नंबर सिस्टम को ही समझती है। बाइनरी नंबर सिस्टम होता है यहाँ पर 0 और 1। कंप्यूटर हमेशा केवल 0 और 1 फॉर्मेट को ही समझता है। और यहाँ पर 0 का मतलब होता है सिग्नल ऑफ, यानी कि जो इलेक्ट्रिक पल्स है, जो करंट फ्लो हो रहा है, वो वहाँ पर ऑफ हो रहा है। और यहाँ पर 1 रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक पल्स को ऑन, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पल्स है जो वो फ्लो हो रही है। तो कंप्यूटर इन्हीं चीज़ को समझता है, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ यूज्ड वर्चुअली ऑल डिजिटल सिस्टम्स इंक्लूडिंग डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, DSP, नेटवर्किंग प्रोग्राम कंप्यूटर सॉरी नेटवर्किंग एंड कंप्यूटर्स। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर सिग्नल प्रोसेसिंग, नेटवर्किंग, कंप्यूटर के जितने भी टास्क वगैरह होते हैं, उनको जो समझता है कंप्यूटर, उन पर जो वर्क करता है, वो 0 और 1 के फॉर्म में करता है। द बाइनरी न्यूमरल सिस्टम और Base 2 न्यूमरल सिस्टम रिप्रेजेंट न्यूमेरिक वैल्यूज यूजिंग 2 सिम्बल्स 0 और 1। अब देखिए, यहाँ पर जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका बेस कितना होता है? 2 यानी 2, ठीक है। और ये हमेशा 0 और 1 को एक न्यूमेरिकल वैल्यूज में रिप्रेजेंट करता है। मोर स्पेसिफिकली द यूजुअल Base 2 सिस्टम इज़ अ पोजिशनल नोटेशन विथ अ रेडिक्स ऑफ 2। उसका Base 2 होता है, उस जो 2 होता है उसका एक नोटेशन होता है। उसको कैसे शो करते हैं हम बाइनरी नंबर सिस्टम को? उसको नोटेशन 2 के द्वारा। बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड इम्प्लीमेंटेशन इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूटरी यूजिंग लॉजिक गेट, द बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ यूज इंटरनली बाय ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न कंप्यूटर एंड कंप्यूटर बेस्ड डिवाइस सच एज मोबाइल फोन। देखो, जितने भी सिस्टम होते हैं सब मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज पर ही काम करते हैं। तो चाहे वो कंप्यूटर हो या फिर मोबाइल फ़ोन हो, सब एक सिस्टम होते हैं। और ये सिस्टम है ना, मोस्टली क्या समझते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम को। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अ नंबर सिस्टम इज अ कोड दैट यूजेस सिंबल्स टू रिफर टू अ नंबर ऑफ आइटम्स। द डेसिमल नंबर सिस्टम यूजेस द सिंबल्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। द डेसिमल नंबर सिस्टम कंटेन्स 10 सिंबल्स एंड इज समटाइम्स कॉल्ड द Base 10 सिस्टम। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे नंबर सिस्टम वर्क करते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया है, एक डेसिमल नंबर सिस्टम दिया है जिसका बेस कितना है? 10। तो इन्होंने यहाँ पर जो 20 लिया है वो 10 लिया है, और उसके सिंबल्स जो हैं वह इन्होंने 0 से लेकर 9 तक लिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो यहाँ पर सिंबल्स में कितने होंगे? 10। तो 0 से अगर हम 9 तक काउंट करें तो सिंबल्स कितने हैं? 10। द बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस ओनली 2 सिम्बल्स 0 और 1। अब देखो, यहाँ पर हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसका बेस कितना होता है? 2। इसलिए वो 2 सिम्बल्स को लेगा जो कि क्या है? 0 और 1, ठीक है। बोथ नंबर सिस्टम्स यूज द आइडिया ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंट नंबर्स लार्जर देन द नंबर ऑफ सिम्बल्स इन सिस्टम। कंसीडर द डेसिमल नंबर 359। देखो, जो नंबर सिस्टम होते हैं, चाहे वो डेसिमल नंबर सिस्टम हो, चाहे वो बाइनरी नंबर सिस्टम हो, वो जो नंबर सिस्टम की जो प्लेस वैल्यू आइडिया होता है उसको यूज़ करते हैं। जो प्लेस वैल्यू आइडिया क्या होता है इसको यहाँ देखते हैं। जैसे कि हमने एक नंबर लिया 359, तो इस 359 की जो डिजिट है 3, उसको हमने रिप्रेजेंट किया 3 से। जैसे कि आपने अगर पढ़ा होगा, हम जब राइट टू लेफ्ट नंबर काउंट करते हैं तो हम जैसे बोलते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना। तो इकाई का मतलब होता है जो पर्टिकुलर वो नंबर है वो, और उसके बाद जब दहाई आता है तो हम उसमें 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। 10 का मल्टीप्लाई यानी कि 1 0 लिख देते हैं। और जब हम सैकड़ा पर जाते हैं तो हम उसमें
100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर जो 3 है वो सैकड़े की पोजीशन पे आ रहा है, इसलिए हमने इसको 300 यानी कि 3 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर क्या आ गया 300। इसी तरह से जब हम 5 को लेते हैं तो 5 में हमने 10 का मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया 50, और 1 को हम जो हमने लास्ट बचा है 9, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया या फिर हम उसको कोई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, तो ये इसका क्या है रिप्रेजेंटेशन है कि इसका प्लेस वैल्यू का। ठीक है, तो द टोटल नंबर 359 रिप्रेजेंट 359th यूनिट, तो उसको ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 359 को। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्लेस वैल्यू इन द डेसिमल नंबर सिस्टम। देखो यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर नंबर दिए 359 इज इक्वल टू 300 प्लस 50 प्लस 9 और ये क्या है एक डेसिमल पॉइंट। द बाइनरी नंबर सिस्टम ऑल्सो यूजेज द आइडिया ऑफ प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू इन द बाइनरी नंबर सिस्टम आर शोन बिलो। अब देखो जो बाइनरी नंबर सिस्टम है वो भी प्लेस वैल्यू के आइडिया को ही यूज़ करता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्लेस वैल्यू बाइनरी नंबर सिस्टम है उसको कैसे यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पर कुछ एक सीरीज़ दी गई है, जैसे हम राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ अगर देखते हैं तो वो है 1s, 2s, 4s, 8s, 16s, 32s, 64s, 128s, 256, 512। ठीक है, ये किस में आता है बाइनरी पॉइंट में। नोटिस दैट ईच प्लेस वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग द 1 टू द राइट बाय 2। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो हर एक नंबर में हम 2 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यानी कि अगर 1 है तो 1 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2, फिर उसके बाद हम 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये क्या आएगा 4, फिर हम 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 8, 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 16, ऐसे ही हम आगे तक 512 तक हम 2 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे और हमको एक सीरीज मिल जाएगी। द टर्म बेस 2 फॉर बाइनरी कम फ्रॉम दिस आइडिया। अब जो जो टर्म है जो उसका बेस है 2, इसी आइडिया से हमने यहाँ पर लिया है क्योंकि हम 2 को वहाँ से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। यूजिंग प्लेस वैल्यूज वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द बाइनरी नंबर 1010। अब देखो हम इसी प्लेस वैल्यू का यूज़ करके जो बाइनरी नंबर है 1010 इसकी हम वैल्यू निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, हमने यहाँ पर लिखा 1010। ठीक है, अब इस 10 और 10 को हम जो हमने सीरीज ऊपर पढ़ी थी 1s, 2s, 4s, 8s, 16s, ठीक है, हम उस पर उसको पुट करते हैं। ठीक है, तो हम राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ पुट करके देखते हैं, तो हम 1 के नीचे रखेंगे 0, 2 के नीचे 1, 4 के नीचे 0 और 8 के नीचे 1 रखेंगे। ठीक है ना, तो इस सीरीज़ को हमने जिस जिस नंबर से रिप्रेजेंट किया है अब हम उसको लेते हैं। देखो 0 जहाँ पर आएगा हम उस नंबर को 0 लिखेंगे, ठीक है ना, जहाँ 1 आएगा हम उसके ऊपर वाला नंबर लेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने 0 लगाया था जो कि 1 के नीचे था, तो हमने वहाँ पर 0 ही लिया। 2 के नीचे हमने 1 लिखा था, अब चूंकि यहाँ पर बाइनरी नंबर क्या है 1, इसलिए हम वहाँ पर 2 को एज इट इज़ ले लेंगे। फिर हमने क्या लिखा था 0, 4 के नीचे 0 लिखा था, इसलिए हम वहाँ पर 0 ही लिखेंगे। 8 के नीचे हमने 1 लिखा था, अब चूंकि 1 था तो हम वहाँ पर 8 ले लेंगे, तो यहाँ पर होगा 8 + 0 + 2 + 0, तो इन नंबर को हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमको क्या आ जाएगा यहाँ पर 16 मिल जाएगा। ठीक है, तो 1010 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 16 को। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और नंबर लेते हैं, एक और बाइनरी नंबर लेते हैं 1101, इसको भी हम बिल्कुल सेम प्रोसेस से करेंगे, हम राइट टू लेफ्ट इसको पुट करेंगे, तो 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 0, 4 के नीचे 0, 8 के नीचे 1 और 16 के नीचे 1 रखेंगे। अब जहाँ पर 11 है हम उन डिजिट्स को ले लेंगे और जहाँ पर 00 है उन डिजिट्स को हम 0 लिखेंगे। ठीक है, तो 1s के नीचे हमने 1 लिखा था तो हमने 1 लिया, 2 के नीचे 0 लिखा था तो हमने 0 लिया, 4 के नीचे 0 लिखा था तो हमने 0 लिखा, 8 के नीचे 1 लिखा था तो हमने 8 लिया, 16 के नीचे 1 लिखा था तो हमने वहाँ पर 16 लिया। ठीक है, इसी तरह से ये जो यूनिट है वो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है कितना 25 यूनिट्स को। सॉरी, अभी हमने जो पिछला वाला एग्जांपल देखा था 8 + 2 वाला, उसको वहाँ पर ऐड किया था हमने, तो वो रिप्रेजेंट कितना कर रहा था 10 यूनिट, वो 16 यूनिट, सॉरी मिस्टेक से मैंने उसको 16 बोल दिया था, लेकिन वहाँ पर वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं।
वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर यूज टू सिंप्लीफाई द ऑपरेशंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इनेबल्स द कंप्यूटर सिस्टम टू परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द गिवन टास्क. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिलेटेड एप्लीकेशन. अब देखो यहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते क्या हैं, हम उसके बारे में थोड़ा देखते हैं. दोस्तों देखो, अगर हम कंप्यूटर में कोई भी काम करना चाहते हैं, जो कोई भी कुछ भी काम करना चाहते हैं, तो उस काम को करने के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी. तो वो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जितनी फाइल और प्रोग्राम होती हैं, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करता है, या उनको मतलब हम उन पर प्रोसेस करते हैं. ठीक है, सॉफ्टवेयर का यूज़ हम क्यों करते हैं? बेसिकली कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए, एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, उसे चलाने के लिए. ठीक है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, डेटाबेस मैनेजर, कंपाइलर, वेब सर्वर, राउटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और जो बाकी के जो नेटवर्क डिवाइस होते हैं उनके कंट्रोल जैसे प्रोग्राम शामिल होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर हम मेनली देखते हैं कि कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं. तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. यहाँ पर दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर दिए हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? उसको डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए. कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर, देखो यहाँ पर नाम तो ही समझ में आ रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्यूटर के जितने भी सिस्टम होते हैं, जितने भी हार्डवेयर, देखो सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, हार्डवेयर से. तो कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर होते हैं उनको चलाने के लिए और एप्लीकेशन को रन करने के लिए हम उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर. मॉडर्न कंप्यूटर्स आर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्विंग डिफरेंट पार्ट्स. टू कीप इट रनिंग वेल वी नीड सिस्टम सॉफ्टवेयर. अब देखो आजकल के जितने भी कंप्यूटर आ रहे हैं उनके जो हार्डवेयर वगैरह होते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं. ठीक है, तो उन सबको रन कराने के लिए, अच्छी तरीके से उसको चलाने के लिए हमको एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती ही है. सिस्टम सॉफ्टवेयर विल हैंडल द स्मूथ रनिंग ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, हेयर बाय प्रोवाइडिंग जनरल फंक्शंस फॉर अदर प्रोग्राम्स टू यूज़. टूल्स टू स्पीड अप द कंप्यूटर, टूल्स टू डेवलप न्यू सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम्स टू कीप अस सेफ फ्रॉम अटैक्स. ठीक है, देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, हार्डवेयर वगैरह, उनको स्मूथली रन कराते हैं. ठीक है ना, अब हमको जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको, उनके लिए जनरल फंक्शंस को प्रोवाइड कराते हैं, ताकि यहाँ पर कुछ टूल्स दिए होते हैं, ठीक है, जिससे हम कंप्यूटर की स्पीड बढ़ा सकते हैं. ठीक है, और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को हम यहाँ पर डेवलप करा सकते हैं, है ना, ताकि वो हमारे जितने भी सिस्टम होता है वो हम उसको अटैक से बचा सकें. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कैन बी क्लासीफाइड इन टू सेवरल कैटेगरीज. अब देखो यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, तो हमने ऐसे कुछ मतलब उसको कुछ कैटेगरीज में क्लासीफाइड किया गया है. तो कुछ कैटेगरीज हैं जैसे हम जहाँ देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, लाइब्रेरी प्रोग्राम, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर. तो हम यहाँ पर एक एक करके इन चीज़ों को समझते हैं. फर्स्ट देखते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम. एन ऑपरेटिंग सिस्टम, या जिसको हम OS भी बोलते हैं, इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्यों होता है? प्रोग्राम का एक सेट होता है जो क्या करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है और उसके जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन सबको मैनेज करता है. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए सर्विसेज को प्रोवाइड करता है. देखो अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो ये यूज़र, यानी कि जो कंप्यूटर को चलाता है, कंप्यूटर को चलाने वाला व्यक्ति, और सिस्टम जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं, इनके बीच में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इंटरमीडिएट का काम करता है. यानी कि अगर कोई यूज़र किसी सिस्टम को चला रहा है तो जिस माध्यम से चला रहा है, जिस मीडियम से चला रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर सिस्टम.
ठीक है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज़रूरी होता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप होता है। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ यूज़र कैन नॉट रन एनी एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर सिस्टम के सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना यूज़र किसी भी एप्लीकेशन को कंप्यूटर पर रन नहीं करा सकता या उसको चला नहीं सकता। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉपुलर मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंक्लूड एंड्रॉयड, iOS, लिनक्स, मैक ओएस एक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अब यहाँ पर कुछ पॉपुलर जो आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं उनको नाम दिए हैं, जैसे एंड्रॉयड। एंड्रॉयड मोस्टली जो है हमारे फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। iOS जो है वो एप्पल के जितने भी सिस्टम्स आते हैं उनमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, इसके अलावा विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ विस्टा और भी बहुत सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं। देखो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन टू एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन द कंप्यूटर। देखो, जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं उनको कंप्यूटर के लिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो उसके जो सिस्टम है उसको एनालाइज करें, उसको विश्लेषण करें, कॉन्फ़िगर करें, ऑप्टिमाइज करें, उसको मेंटेन रखें। ठीक है, ताकि सिस्टम कहीं से कहीं तक ना तो हैंग हो, उसमें कोई एरर ना आए, उसके जो हार्डवेयर हैं, उसके कंपोनेंट्स हैं वो ठीक तरीके से रन हो, उसके सॉफ्टवेयर भी अच्छी तरीके से रन चलते रहें। तो इसलिए यूटिलिटी प्रोग्राम्स का यूज़ किया जाता है। अ सिंगल पीस ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज़ यूजली कॉल्ड अ यूटिलिटी और टूल। देखो, सिंपल भाषा में अगर हम बोलें तो यूटिलिटी जो प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें हम टूल्स भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि सिस्टम जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें कई जगह टूल्स शब्द का यूज़ किया जाता है, कि इस टूल को यूज़ कीजिए, इस जो फंक्शन काम नहीं कर रहा तो इस टूल को यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो वो सब एक यूटिलिटी प्रोग्राम या सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स के। जैसे एक है वायरस स्कैनर। वायरस स्कैनर क्या करता है कि जितने भी अगर किसी एप्लीकेशन या सिस्टम में कोई वायरस एंटर हो जाता है तो उसको स्कैन करके वहाँ पर शो करता है। ठीक है, तो जैसे कुछ वायरस हैं जैसे ट्रोजन्स और बहुत सारे वायरसेस रहते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करता है सिस्टम को। डिस्क फ्रेगमेंट, ये इसका काम होता है जो हार्ड डिस्क होती है, जो स्टोरेज डिवाइस होती है, उसकी स्पीड को बढ़ाना होता है। सिस्टम मॉनिटर क्या करता है, टू लुक एट आर करंट सिस्टम रिसोर्सेज। हमारे जितने भी करंट सिस्टम में जितने भी करंट रिसोर्सेज होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करता है, उनको उनकी देख रेख करता है। फाइल मैनेजर का काम क्या होता है, ऐड, डिलीट, रीनेम एंड फाइल्स को मूव कराना। किसी अगर फाइल को हम ऐड करना चाहते हैं, उसको डिलीट करना चाहते हैं, उसका नाम बदलना चाहते हैं या उसको हटाना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं किसी फाइल या फोल्डर को, तो हम वहाँ पर फाइल मैनेजर्स का यूज़ करते हैं। लाइब्रेरी प्रोग्राम, थर्ड इज़ लाइब्रेरी प्रोग्राम। लाइब्रेरी प्रोग्राम्स आर कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर। अगर हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हैं तो रिसोर्सेज का एक कलेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं लाइब्रेरी प्रोग्राम। दिस इंक्लूड्स प्री रिटन कोड्स एंड सब रिटन, जहाँ पर पहले से कोड लिखे हुए रहते हैं। अगर हमको कोई प्रोग्राम बनाना होता है तो हम एक ऐसे से सॉफ्टवेयर या एक ऐसी एप्लीकेशन को उससे जोड़ देते हैं यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे कोड लिखे हुए रहते हैं या वहाँ पर पहले से इंस्ट्रक्शन होते हैं। मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ लाइब्रेरीज दैट कैन बी यूज ऑफरिंग कोड टू हैंडल इनपुट आउटपुट ग्राफिक्स एंड स्पेशलाइज मैथ फंक्शन। अब देखो, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको किसी मैथ के क्वेश्चन को या एक पर्टिकुलर मैथ की कुछ डेफिनेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप मैथ के फंक्शन मैथमेटिकल जो क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करना चाहते हैं या उसके लिए कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो एक मैथ की लाइब्रेरी जो है उसको हम वहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो उसमें सारे जितने भी कोड होते हैं वो पहले से लिखे हुए होते हैं, तो जब भी हम उस सॉफ्टवेयर में अगर उसकी ज़रूरत होती है तो हम वहाँ से उसको लाइब्रेरी प्रोग्राम्स को उसको यूज़ करके वहाँ पर उस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो क्रिएट आवर ऑन कस्टम लाइब्रेरीज एंड व्हेन वी स्टार्ट टू राइट लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स विद सिमिलर फंक्शनलिटी वी विल फाइंड देम वेरी यूजफुल। एनईटी लाइब्रेरी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम वहाँ पर अपनी खुद की कस्टम लाइब्रेरी को भी कस्टम कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। ठीक है ना, और जब भी हम किसी प्रोग्राम को लिखते हैं
और उसमें बिल्कुल उसी फंक्शन की ज़रूरत होती है जो वहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, तो हम वहाँ से उसको फेच कर सकते हैं, उसको वहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक लाइब्रेरी प्रोग्राम का एग्जांपल दिया है जिसको बोलते हैं नेट, NET, NET लाइब्रेरी एक एग्जांपल है किसका, लाइब्रेरी प्रोग्राम्स का। और फोर्थ टाइप देखते हैं हम इसका, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, द फाइनल टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट वी नीड टू नो इज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर अलाउज अस टू न्यू प्रोग्राम टू बी रिटन एंड रन ऑन द कंप्यूटर बाय कन्वर्टिंग द सोर्स कोड इन टू द मशीन कोड। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने आपको बताया कि हम जितने भी प्रोग्राम्स को बनाते हैं, हम अगर किसी भी लैंग्वेज में अगर उसको बना दें, असेंबली लैंग्वेज में चाहे हाई लेवल लैंग्वेज में, लेकिन सिस्टम जो समझता है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो यहाँ पर हम किसी भी लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, तभी सिस्टम उस सॉफ्टवेयर को या उस प्रोग्राम को जो हमने लिखा है उसको समझता है। तो यहाँ पर तीन टाइप के ट्रांसलेटर दिए गए हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। असेंबलर का जो यूज़ किया जाता है वो असेंबली कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। इंटरप्रेटर का यूज़ जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है जैसे जावा, जावास्क्रिप्ट, इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक लाइन को एक समय में एक ही लाइन को कन्वर्ट किया जा सकता है। कंपाइलर का जो यूज़ किया जाता है उसे भी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है जैसे C++, उसको भी मशीन कोड में यूज़ कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ही बार में पूरी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दिया जाता है। हम बात करते हैं कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। देखो जैसे हमने सॉफ्टवेयर की बात की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के होते हैं कोई भी पर्टिकुलर टास्क हमको करना है, जैसे आप गेम खेलते हो या पेंटिंग करते हो या कुछ भी काम करते हो कंप्यूटर पर, कोई अगर आपको ऐसे वगैरह भी लिखना है उसके लिए भी आपको एक एप्लीकेशन चाहिए जैसे वर्ड प्रोसेसर वगैरह, ठीक है, तो वो एक एप्लीकेशन होती है जिसमें हम वर्क करते हैं। अब यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन के कुछ कैटेगरीज दी हैं जिन्हें हम देखते हैं। जैसे एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट्स अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ टास्क। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर फंक्शन। फॉर एग्जांपल, अ वर्ड प्रोसेसर कुड बी क्लासिफाइड एज जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर बिकॉज इट वुड अलाउ अ यूज़र टू राइट अ नॉवल, क्रिएट अ रेस्टोरेंट मेन्यू और इवन मेक अ पोस्टर। कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि जनरल पर्पज़ के लिए होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए उसका यूज़ नहीं किया जाता बल्कि बहुत सारे कामों में उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर पर देखो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम उस पर एक नोवेल भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी का अगर रेस्टोरेंट होता है तो हम उसके रेस्टोरेंट के मेन्यू को भी वहाँ पर उसको लिख सकते हैं, और या हम उस पर पोस्टर बना सकते हैं। तो उस जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है जैसे वर्ड प्रोसेसर, उस पर हम कई सारे काम कर सकते हैं, हम उस पर ऐसे लिख सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है इसका स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दिस इज़ द सॉफ्टवेयर क्रिएटेड टू एग्जीक्यूट वन स्पेसिफिक टास्क। फॉर एग्जाम्पल, अ कैमरा एप्लीकेशन ऑन आर फोन विल ओनली अलाउज अस टेक एंड शेयर पिक्चर्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था उससे पर हम एक एप्लीकेशन पर कई सारे काम कर सकते थे, लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए ही डेवलप की जाती हैं। जैसे यहाँ पर दिया है एक कैमरा एप्लीकेशन, अगर आपका कोई फ़ोन में एक कैमरा एप्लीकेशन है उसका मेन काम क्या होता है, उसका कि पिक्चर्स को लेना और पिक्चर को शेयर करना, ठीक है, ठीक है। तो उस पर आप ये नहीं है कि आप उस पर नोवेल लिख लो या कुछ भी उस पर काम करने लगो, ठीक है, उसका जो मेन पर्पस है वो पिक्चर्स को लेना होता है और पिक्चर्स के जितने फंक्शंस होते हैं वो उसको वहाँ पर एक्सिक्यूट करते हैं। अनदर एग्जांपल वुड बी अ चेस गेम। चेस गेम आपने चेस खेला होगा कंप्यूटर पर या किसी भी सिस्टम जैसे फ़ोन वगैरह पर, तो वहाँ पर अगर चेस को ओपन किया तो वहाँ पर सिर्फ चेस गेम ही खेला जाएगा, किसी और गेम को हम वहाँ नहीं खेल सकते, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल थे स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन के। नेक्स्ट देखते हैं हम बेस्पोक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दिस सॉफ्टवेयर इज़ अ टेलर मेड फॉर अ स्पेसिफिक यूजर एंड पर्पस। फॉर एग्जांपल, अ फैक्ट्री में रिक्वायर सॉफ्टवेयर टू रन अ रोबोट टू मेक कार्स, हाउएवर इट इज़ द ओनली फैक्ट्री मेकिंग दैट कार इन द वर्ल्ड, ऑन द सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड वुड हैव टू बी स्पेशली बिल्ट फॉर द टास्क। अब जैसे आपने अगर डिस्कवरी वगैरह पर देखा हुआ तो कई जगह दिखाते हैं कि जैसे किसी फैक्ट्री में अगर कुछ कार्स बन रही हैं या कुछ भी मैन्युफैक्चर हो रहा है तो वहाँ पर कुछ रोबोट्स वर्क करते हैं, उन रोबोट्स
का जो काम होता है, एक उनको पर्टिकुलर टास्क या उनको प्रोग्राम सेट कर दिया जाता है कि इनका यही काम है। ये कुछ रोबोट्स हैं जो कि सिर्फ कटिंग का काम करेंगे, कुछ रोबोट्स हैं जो उनको असेंबल का काम करेंगे, कुछ रोबोट्स हैं जो एक चीज़ को यहाँ से शिफ्ट करेंगे दूसरी जगह पर, ठीक है। तो उन जो रोबोट्स को जो प्रोग्राम जो एप्लीकेशन इंस्टॉल की जाती हैं, जो सॉफ्टवेयर उनको दिया जाता है, वो वेस्पॉक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अदर एग्जाम्पल माइट इंक्लूड सॉफ्टवेयर फॉर द मिलिट्री मिसाइल्स, यूएवी ऑपरेशन, सॉफ्टवेयर फॉर हॉस्पिटल एंड मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड यूजर्स, सॉफ्टवेयर बीइंग रिटर्न फॉर यूज़ इन बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन। और अगर हम दूसरे अगर कुछ और सॉफ्टवेयर का यूजेज देखें, उनके एग्जाम्पल देखें, तो मिलिट्री सिस्टम्स में इसका यूज़ किया जाता है, मिसाइल्स में यूज़ किया जाता है। मिसाइल को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम उसको किसी एक पर्टिकुलर जो निशाना होता है, टारगेट होता है, उनको सॉफ्टवेयर के थ्रू देते हैं। फिर हम उसको जब मिसाइल को छोड़ते हैं तो उस पर्टिकुलर टारगेट पर जाके वो अटैक करते हैं। हॉस्पिटल के लिए सॉफ्टवेयर आते हैं जो हॉस्पिटल का पूरा मेंटेनेंस वगैरह करते हैं, हॉस्पिटल की पूरी जानकारी वहाँ पर उसको सेव करते हैं, ठीक है। मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर होते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो सिर्फ बैंक के लिए बनाए जाते हैं, उनकी फाइनेंशियल की जो इंस्टीट्यूशन होती हैं, उनकी जितनी भी सिचुएशन वगैरह होती हैं, या उनको फाइनेंशियल कंडीशन को हैंडल करने के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा हमने, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ा और बाइनरी नंबर्स के सिस्टम के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आपका चैप्टर आज यहाँ एंड होता है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। थैंक यू।